खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी में बगावत खुलकर सामने आ गई है। भगवानपुरा के पूर्व बीजेपी एमएलए जमुना सिंह ने आज नामांकन फार्म लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान पूर्व विधायक जमुना सिंह ने बीजेपी के घोषित उम्मीदवार चंद्र सिंह वास्कले का खुलकर विरोध किया। फार्म लेने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक जमुना सिंह ने खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल के खिलाफ अपशब्द कहे। जमुना सिंह सोलंकी ने बीजेपी उम्मीदवार चंद्र सिंह सोलंकी पर आंगनवाड़ी भर्ती में जेल जाने तक के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और बीजेपी उम्मीदवार ने जमुना सिंह को मना लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक हूँ। 8 में जीता था 17,000 वोट से। वहाँ पे गजेंद्र भाई ने एक टिकट काट के लड़े, हार गए 1800 वोट से। दूसरी बार टिकट मिला था 9,500 वोट से हारा हूँ मैं। और 3 पंचायतों ने वोट नहीं डाले थे। वड़िया गोपालपुरा ने भूल के लिए नहीं डाले, देवली पंचायत ने रोड के लिए नहीं डाले, इसलिए मैं चुनाव हार गया 9,500 वोट से। और इस बार चंद्र भाई को दिया है टिकट। चंद्र भाई जनपद अध्यक्ष मेरे कार्यकाल में बने और आंगनवाड़ी भर्ती में जेल में भी गए थे, वो उनको टिकट दिया गया है। और मैं फार्म ले आया हूँ तो फार्म भरूँगा पार्टी से भी और निर्दलीय भी। पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो फिर कार्रवाई में पहले इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। अच्छा, तो सांसद जी का भी कहना है कि उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो समझाने आए तो जूते लगाऊंगा। तो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? मैं पार्टी छोड़ दूंगा नहीं, मेरा क्या मगर पार्टी के बंधवा मजदूर थोड़ी हूँ मैं। चंद्र सिंह जी ने ये कहा है कि जमुना सिंह जी फॉर्म भरे से भर दिया है लेकिन वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे पार्टी के साथ। हमारे वरिष्ठ विधायक, मैं मेरे सामने ढेर लगा दे पैसे का और शिवराज सिंह भी आ जाए तो उठाओ नहीं पार। तो क्या कारण है आपको टिकट नहीं दिया? क्या लगता है कि ये चंद्र जो वहाँ बेईमान लोगों की जरूरत है, तले ही बनाओ 2 लाख में 10 लाख खा जाओ, ऐसा काम है सब दलाल है साले। फॉर्म भरने आए निर्दलीय भर रहे हैं जमुना सिंह, पूर्व एमएलए वो भी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। मुझे लगता है कि जमुना सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम भी किया है और हमारे पार्टी का एक हिस्सा है वो, और इसलिए अभी नाम निर्देशन फॉर्म लेने वो आए हैं। हमारी बातचीत उनसे चल रही है, राजी नाराजगी हो सकती है परंतु फिर भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम बातचीत कर रहे हैं। जमुना सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर काम करेंगे और हमारे जो भगवानपुरा के उम्मीदवार हैं भाई चंद्र सिंह जी, उनके पक्ष में काम करेंगे। सतर सिंह मंडलोई भी जो है भाजपा के नेता है, वो भी फॉर्म लेने आज पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर अभी मेरी मुलाकात छतर सिंह जी हमारे भी वरिष्ठ नेता हैं, मैंने कहा है जैसा कि अभी मैं उनसे बातचीत करके भी आया हूँ, थोड़ी राजी नाराजगी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वालों के क्रम काफ़ी संख्या में रहता है और ये एक अच्छी बात भी है और टिकट किसी एक को मिलता है। फिर भी छतर सिंह जी हो, जमुना सिंह जी हो, ऐसे कई वरिष्ठ नेता हमारे क्षेत्र में हैं, इच्छाएं रहती है परंतु फिर भी पार्टी ने निर्णय चंद्र सिंह जी के पक्ष में किया है और वो उनसे बातचीत चल रही। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो थे और साथ में खड़े। विधायक जो है वो भी निर्दलीय फार्म भरने की बात कही जा रही है जमुना सिंह के द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, बाकी बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के साथ रहेंगे वो, ऐसा विश्वास है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।